हेलो, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये मेरी जीके की क्लास है, इसमें पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूं, ये मेरा सेकंड पार्ट है। ये जीके खास तौर से आपके एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, व्यापम, सिविल जज, एडीपीओ आदि एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, अब मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। तो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ, यहाँ शुरू करना चाहता हूँ मैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारे चार वेद हैं, तो जिस दौरान उनकी रचना हुई उस काल को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहा गया। इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता को जो है वो आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो वो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता आपकी जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसके निर्माता, इसमें बताया हमने कि निर्माता इसके आर्य थे। अब ये भी प्रश्न उठता है कि आर कौन थे और ये कहाँ से आए थे, तो इस संबंध में विद्वानों में व्यापक मतभेद है, लेकिन समानता ज्यादातर लोगों का कहना है कि आर जो है वो मध्य एशिया से आए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला है आपका ऋग्वेदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वेदिक काल माना गया है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस दौरान सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई उसको ऋग्वेदिक काल कहा गया, और जो शेष तीन वेदों की रचना हुई उस समय को जो है वो उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो ऋग्वेदिक काल की जो प्रशासनिक संरचना थी उसमें सबसे छोटी इकाई जो थी आपकी वो थी कुल या परिवार, ये एग्जाम में आया हुआ है आपका। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा महत्वपूर्ण बात, कि आपने जैसे मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार जो है मात्र सत्तात्मक थे, जबकि वैदिक सभ्यता के परिवार जो है वो प्रतिसत्तात्मक है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जैसे कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेदों की संख्या आपका जो वेद कितने हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो चार वेद हैं आपके। इन वेदों से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो पहला हम चलते हैं आपका जो सबसे प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद। तो इसमें कुल 10 मंडल हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। और एक क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि सबसे प्राचीन है, ये तो आता ही है। जो हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो इसी ऋग्वेद से ही लिया गया है, तो इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। और सेकंड वेद हम चलते हैं आपका, वो है आपका सामवेद। तो सामवेद से क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को माना गया है। इसको आप याद रखने के लिए इस तरह कर सकते हैं, सासे संगीत, सासे सामवेद। तो इस तरह से आपको ये चीज नहीं भूलेगी। और फिर आपका आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ एक ही फैक्ट इसमें इम्पोर्टेंट है जो कई परीक्षाओं में आता रहता है। तो एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य ये दोनों में लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। और चौथा वेद जो सबसे नया वेद भी कहा गया है, इसको नया वेद मानते हैं और एग्जाम में भी पूछता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में आपका जो जानकारियां मिलती हैं वो जादू टोना और औषधि बारे की जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जादू टोना के बारे में प्रावधान किसमें मिलते हैं, तो ये आपके अथर्ववेद में मिलते हैं। तो इसको आप कोडिंग में याद रख सकते हैं। आज से आनंद जादूगर का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, तो आनंद जादूगर क्या थे, जादू थे। तो इस तरह से आज से आनंद, आज से अथर्ववेद,
तो अपन इसे याद रखने में सुविधा होगी कि अथर्ववेद माने जादूगर आनंद और अनंत क्या करते थे जादू करते थे। जादू टोना को लेकर इस वेद में आपका अथर्ववेद में है। अब उपनिषद की संख्या कितनी है ये एग्जामों में आया है आपका, तो उपनिषद जो है आपकी कुल संख्या है 108। फिर आपके धार्मिक ग्रंथ है पुराण, तो पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या आपकी टोटल 18 है। और इसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है आपका, वो है मत्स्य पुराण, है ना। अब कुछ वैदिक काल में कुछ दर्शन उस समय प्रचलित हुए, तो उन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। तो पहला है आपका सांख्य दर्शन, तो इसके प्रवर्तक कौन थे आपके, तो इसके प्रवर्तक थे आपके कपिल मुनि, ये कई जगहों में आया है। फिर है दूसरा दर्शन है आपका योग, तो इसके समर्थक आपके प्रवर्तक थे पतंजलि, तो इसको अपन जो बाबा रामदेव जो पतंजलि संस्था चलाते हैं और उनका योग से भी संबंध है, तो उससे अपन इसको दिमाग में रख सकते हैं। फिर एक पूछा गया है अपन न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो गौतम जी थे, ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये उनके पहले थे गौतम जी थे, तो इतना अपन याद रखिए। फिर बौद्ध ग्रंथों में हमको ये उल्लेख मिलता है कि उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो ये पूछा गया है कि बुद्ध जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय, इस ग्रंथ में ये प्रावधान मिलता है कि भारत में जो है वो 16 महाजनपद थे, तो उनको अपन को देखना है। और अपना चूंकि मध्य प्रदेश में अपन लोग निवास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के ज्यादातर एग्जाम देते हैं, तो इस तरह से एक महाजनपद है आपका चेंडी, तो इसकी आपकी जो है वो राजधानी पूछता है, तो राजधानी इसकी थी सुक्तिमती, और ये आपका जो अपना मध्य प्रदेश में मालवा का एरिया है वहां पे ये महाजनपद हुआ करती थी। तो इस प्रकार से अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो उस समय जो धर्म प्रचलित थे उनमें काफी ओल्ड विचार आ गए थे, उनके खिलाफ एक रोष देखा जा रहा था, परिणाम स्वरूप दो धर्मों का उदय हुआ उस समय, वो आपके थे पहला धर्म था जैन धर्म और दूसरा धर्म था आपका बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म से भी आपके कंपटीशन में काफी क्वेश्चन आते रहते हैं, काफी कुछ हम इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम सिर्फ आपको एग्जाम के लायक बताएं और ताकि आपको जो है वो इससे फायदा हो सके। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वो ऋषभदेव थे, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक थे आपके महावीर स्वामी, वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जो जैन धर्म को जो प्रचार प्रसार मिला उसका श्रेय जो है वो महावीर को ही जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में कुल जो है वो आपके 24 तीर्थंकर हुए, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। तो इसको आप याद रखिए कि महावीर स्वामी किस क्रम के तीर्थंकर थे, तो 24वें थे और अंतिम भी थे। और महावीर स्वामी के बारे में कुछ आपका जन्म वगैरह कहाँ हुआ, कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट जो है वो कुंडल ग्राम में हुआ और इनके बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। इनका सन भी पूछा गया है कि कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम जो वैशाली के निकट है वहां पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम तिसला था, इसको भी ध्यान रखना आपका। और इनकी पत्नी जो का नाम था यशोदा, 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद जो है जम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे जो है वो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये भी याद रखना है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो वो आपका जम्भिक ग्राम है, किस नदी के तट पर स्थित है वो, तो ऋजुपालका नदी के तट पर स्थित है। और आगे चलते हैं हम, तो आगे देखते हैं कि इनकी मृत्यु भी पूछा गया एग्जाम में कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई, तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, ये राजग्रह के समीप स्थान है, ये यहाँ पे इनकी 527 ईसा पूर्व, इसको याद रखिएगा, 527 ईसा पूर्व में राजग्रह के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। अब जैन धर्म में जो है त्रिरत्न बहुत प्रसिद्ध है, तो
तो वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये आपके एमपी प्रश्न में क्वेश्चन आ चुका है। और जैन धर्म के दर्शन क्षेत्र में स्यायवाद का प्रतिपादन किया गया। जैन धर्म ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो ये जो ग्रंथ लिखे गए इनके धार्मिक ग्रंथ थे, उनकी भाषा जो है वो प्राकृत थी। तो इस तरह से एक चीज क्वेश्चन और पूछता है कि आगे चल करके जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया, तो वो दो भाग थे श्वेतांबर और दिगंबर। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है कि श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म के दो संप्रदाय थे, तो ये आपके जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। इस प्रकार से हम अगला चलते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब गौतम बुद्ध के संबंध में चार स्थान जो है बहुत फेमस है, तो उनकी वो भी एग्जाम में आए हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास जो है वो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ये शाक्य क्षत्रिय कुल के वंशज थे ये, है ना। तो कहाँ पर जन्म हुआ था ये पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी। तो हम कोडिंग बना ले, ला से लुम्बिनी, ला से लल्ला, थोड़ी देर के लिए मान ले लल्ला। लल्ला अपने जो छोटा बच्चा होता है उसको अपन लल्ला बोलते हैं, तो इससे अपन याद रखें कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लल्ला, माने छोटे थे उस समय, तो कहाँ हुआ था, लासे लल्ला, लासे लुम्बिनी। फिर ये इनके संग एक दुखद घटना हुई, इनके जन्म के कुछ समय बाद ही जो है वो इनकी माता का देहांत हो गया। और इनकी मौसी या सौतेली माँ भी थी वो, उनका नाम था आपका प्रजापति गौतमी, उन्होंने इसका भरण पोषण किया। तो ये कई गांवों में आया है कि गौतम बुद्ध का भरण पोषण किसने किया, तो गौतम बुद्ध का भरण पोषण जो है वो इनकी मौसी थी, उनका नाम पूछा गया है, प्रजापति गौतमी ने किया। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जैसे मैं बताया कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। तो इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। और इनकी पत्नी जो थी वो थी आपकी यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए इन्होंने क्या किया था, त्याग दिया था। तो लाल महाजी